right? सो फ्रेंड्स विल बी अभी हम कवर करेंगे यूट्यूब, आज ये हम मेनली कवर करेंगे। धीरज गॉट योर, मेरे को आपका एक क्वेश्चन आया, आई विल रिप्लाई यू सेपरेटली। अभी पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। विल टेक दीज जनरल क्वेश्चन एट द एंड। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हम आप बीच में पूछ सकते हैं, जब भी हम किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे उससे रिलेटेड अगर कुछ भी होता है, आप उसी वक्त मुझे कोई भी प्रॉम्प्ट कर सकता है, ताकि आपको वहीं पे समझ में आ जाए जिस पे जिस चीज पर भी हम बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग में देर आर मैनी फेसेट्स, मैनी बहुत सारे फेसेस हैं उसके, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी एक मॉड्यूल है, सर्च एक मॉड्यूल है, ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। आप में से कई पार्टिसिपेंट्स में जो है कई सारे टॉपिक्स इसमें से कवर करोगे। आज हम यूट्यूब इसलिए पिक कर रहे हैं बिकॉज यूट्यूब इज समहाउ एन अमलगमेशन, एक मिक्सचर है वो दो तीन चीजों का, और एक एंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ स्कोप है। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में, सोशलाइजिंग में वो गूगल बस अब थोड़ा पिकअप करना शुरू कर दिया, बट पहले इतना नहीं कर पा रहा था। बट यूट्यूब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स गेन करा है उसकी एक फीचर की वजह से। किस तरीके से ये डिजिटल मार्केटिंग को हेल्प करता है, किस तरीके से हाउ इट हेल्प डिजिटल मार्केटर टू प्लान द कैंपेन, वो अपना कैंपेन जब प्लान करते हैं तो हाउ इट हेल्प इट आउट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हम एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, आप बहुत क्विकली मुझे चैट पे रिस्पॉन्ड करके बताइए। आप सब आप जब गूगल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप बहुत सारे और कंपनीज के या ब्रांड्स के या किसी के भी आप एड्स देखते होंगे, वो एड आपने कैसे कैसे देखे आपने, मतलब जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं आपको कैसे पता चलता है कि वहां पे एड आ रहा है, कौन से इंटरफेस है, हाउ हाउ डू यू कम टू नो दैट दिस इज द एड, व्हाट आर द इंटरफेसेस ऑफ एड्स व्हिच यू फेस्ड, कैन जस्ट सम ऑफ यू क्विकली रिप्लाई, हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट एन एड इन यूट्यूब, it would be mentioned as ad, yes, on the search side it will be mentioned, it will pop up, yes. So basically आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हैं, आप में से कोई अपना टेस्ट बता सकते हैं, yes, 5 सेकंड के ऐड आते हैं, एक्चुअली 5 सेकंड के बाद आप स्किप कर सकते हैं, आप कितने भी सेकंड के ऐड बना सकते हैं, मैं इस पे आऊंगा। आप मुझे बताइए आपको कौन से वीडियोज अच्छे लगते हैं यूट्यूब पे देखने, ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंटर रिलेटेड है एज अ मार्केटर, आई लेट यू नो हाउ जब हम प्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे तो आपको बताऊंगा। किसी को कॉमिक अच्छी लगते हैं, मुझे वेब सीरीज अच्छी लगती है, जैसे टीवीएफ पिक्चर्स एक वेब सीरीज आई थी, यस, यू लाइक डांस शोज संतोष, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल, अवार्ड शोज आपको अच्छे लगते हैं, वेब सीरीज लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, एनिमेशन, वेरी गुड। नाउ माय पॉइंट इज, जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, किसी को वेब सीरीज अच्छा लगता है वो वेब सीरीज स्टार्ट करता है, कोई लेक्चर्स देखता है, कोई एनिमेशन देखता है, कोई डांस शो देखता है, जब आप ये सब देख रहे होते हैं तो आपको अचानक से या तो स्टार्टिंग पे या मिडल ऑफ द ड्यूरेशन अगर वो वीडियो लंबा है तो उसमें एक ऐड आ जाता है, राइट, एक मोशन पिक्चर का एक ऐड आ जाता है। वो ऐड क्या आप लोगों ने सोचा वो कैसे आता है, कैसे वो करा जाएगा, अगर आप मार्केटर हैं तो वो ऐड आप कैसे लाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत पोटेंशियल मीडिया है, राइट, so we'll be covering that today and practically we'll be covering that कि किस तरीके से ad बनता है और वो ad कैसे आता है, ठीक है। तो हम आज एक वो बहुत interesting aspect उस पर भी cover करेंगे, half of the lecture जो first half हम cover करेंगे वो cover करेंगे about the YouTube, about different facets, about different dimensions,
ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूब की स्कोप को समझ पाए। बेसिक बेसिक आइडिया हम सबको है, लेकिन हम और डिटेल में उसमें जाएंगे। और सेकेंड हाफ जो सेशन हम डेडिकेट करेंगे वो इस चीज़ पे करेंगे कि हम वो नॉट एड सेंस, एक्चुअली एड सेंस नहीं, इसमें एड वर्ड्स का ज्यादा यूज है। आई विल टेल यू हाउ गुरुप्रसाद। एंड एड वर्ड से जो फेमिलियर है वो बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। एंड इन फैक्ट आई विल कम टू दिस स्लाइड एंड आई विल गो बैक टू दिस स्लाइड। जो एड वर्ड्स से फेमिलियर नहीं है वो अगर आज जब यूट्यूब की एड करते हुए देखेंगे किस तरीके से करी जाती है एड वर्ड में, तो वो सर्चेबल कीवर्ड ओरिएंटेड सर्च पे भी समझ जाएंगे। तो इट्स लाइक मिरर, इफ यू नो वन थिंग यू नो दी अदर, बिकॉज इट समहाउ हैव द सेम स्ट्रक्चर। गूगल एडवर्ड्स में ही दोनों हो रहे हैं, तो दोनों चीजों से आज हम इंटेंजिबली इसको कवर कर पाएंगे। ऑलराइट, हम एक एक करके एग्जांपल्स भी लेंगे। लाइव एग्जांपल्स में क्या कहना चाहता हूँ, यूट्यूब या एडवर्ड्स की सर्च को समझना या एसईओ के पोटेंशियल को समझना है, उस पे और डिटेल पे करने के लिए ये स्लाइड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि गूगल एक्चुअली काम किस हिसाब से करता है, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग हाउ गूगल वर्क्स। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, जो कि मेजर पोर्शन लेके बैठा हुआ है इस वक्त इंटरनेट का, एडवाइजर्स का और इन सब का, तो ट्राई टू यूल अंडरस्टैंड कि एज अ मार्केटर मैं इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं एक्सपेंसिव हो रहा हूँ, वहाँ पे इनएक्सपेंसिव हो रहा हूँ। तो इन चीजों को हम देखेंगे, इन चीजों को हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। डिटेल में हम सिर्फ ये वीडियो वाला पार्ट आज कवर करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि गूगल में इन चार पांच तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, पेड ऐड कर सकते हैं। बेसिकली एसईओ इसमें कवर नहीं है, पेड ऐड आप इस मॉड्यूल से कर सकते हैं। पेड ऐड वो हो गई जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तरीके से ऐड करना चाहता हूँ, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से करूँ, चाहे वो मैं विजुअल के माध्यम से करूँ, चाहे मोशन पिक्चर वीडियो के माध्यम से करूँ। मुझे जो भी मौका मिले, बस गूगल मुझे ऐड करने को दे, मैं उसके लिए पैसे देने को तैयार हूँ जो भी लगेंगे। अगर मेरे दिमाग में ये चीज है तो गूगल मुझे ये चार चीजें देता है। एक वो मुझे देता है सर्च नेटवर्क। सर्च नेटवर्क कहते हैं जो हम सर्च करते हैं। अभी मैं बहुत सिंगल सिंगल लाइन में आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर मैं इन सब का आपको प्रैक्टिकली एक बार ओपन करके दिखा दूंगा ताकि समझ में आ जाए, या इसको पैरेलल ही कर लेते हैं। लेट्स ओपन। ऑलराइट, आई वांट टू मेक दिस इंटरेक्टिव सेशन, तो मैं खुद से सब कुछ नहीं करूंगा, जो आप बोलेंगे मैं उस हिसाब से अपने आप को डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, आप मुझे बताइए मैं क्या सर्च करूं यहाँ पे, जल्दी बताइए। एक वर्ड, एनीबडी कैन पॉप अप, गिव मी अ कीवर्ड, गिव मी समथिंग विच यू एक्चुअली वॉन्टेड टू सर्च। यू वॉन्ट टू सर्च मोबाइल्स। ऑल राइट, मोबाइल्स। अब देखिए, मोबाइल टाइप करा हमने सर्च में, ये जो सर्च नेटवर्क आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, जो गूगल सर्च है उसके पार्टनर सर्च में आता है, वो एक्चुअली ये है। ये सब आपको पता होगा मोस्ट ऑफ देम, बट मैं क्विकली इसको रन थ्रू करना चाहता हूँ ताकि आप गूगल की फिनोमिना समझ पाए। गूगल के फिनोमिना में वो एक फ्री प्रोडक्ट सेंटर पे रखता है, उसके बहुत सारे यूजर्स बनाने की कोशिश करता है। जब वो बहुत सारे यूजर्स उसके बन जाते हैं, तो वो ये देखता है कि सप्लाई साइड में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई साइड में यानी कि जो एक्चुअली सर्च जिनके बारे में करा जा रहा है, वो चाहेंगे कि यार मेरी सर्च करी जाए या मेरे बारे में मैं सामने आ जाऊं, तो वो पैसा उनसे लेता है, आपसे नहीं लेता, वो उनसे लेता है। अब जब उनसे ले रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप मोबाइल सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं कि उनके ऊपर आ जाए, बहुत सारे लोग मोबाइल बेचना चाहते हैं डायरेक्टली, हर एक की अलग अलग मोटस ऑपरेंडी है। तो गूगल ने उसी के अंदर दो तीन प्रोडक्ट निकाल दिए। उसने एक प्रोडक्ट ये निकाला कि ठीक है, क्योंकि उसका मॉड्यूल सर्च पे ये है कि वो टेक्स्ट बेस्ड ओरिएंटेड साइट्स के नाम दिखाएगा, तो उसने ये रख दिया कि ठीक है, ऊपर के जो एक सेगमेंट है 2 से 3 सर्चेस का, वो मैं इस तरीके से दूंगा। टोटल 11 होती है, 3+8 का फिनोमिना होता है एक नॉर्मल लेआउट में लैपटॉप के, लेकिन ये इट इज सब्जेक्ट टू चेंज समटाइम्स, और इंटरनेट इज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, तो वो लेआउट कई बार चेंज हो जाते हैं। पहले ये आपने देखा होगा, मोबाइल राइट में आते थे,
अभी देखो हमने सर्च करा तो ये फेस ऊपर आ गया, ओवरहेड पर आ गया। बट एनीवेज द आइडिया इज कि यहाँ पर ये आ रहा है ऊपर, तो दिस इज लॉन्चिंग सैमसंग 27 एट flipkart.com और मोबाइल लेटेस्ट सिलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ मोबाइल एट amazon.in। These two are a part of, or the right one at the right segment, which you can see of Micromax and smartphones. And you know, this Paytm wala ad, Micromax wala ad, Quaker wala ad. These all are the segment of this search network. Display network is something else. I'll come to display network. Before that, I'll come to shopping. This third one, shopping. This is the shopping wala. Upar jo aap dekh rahe hain. आपने कई बार देखा होगा हम कोई ऐसा प्रोडक्ट करते हैं जो e-commerce में बहुत easily available है, तो वो ऊपर शॉपिंग वाले में आ जाता है, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाने लगता है, उसका प्राइस दिखाने लगता है। तो होगा क्या, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एंड अप इन द लैंडिंग पेज ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट इज द टर्मिनोलॉजी विच गूगल यूज। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर, आप बेचना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट है तो आप शॉपिंग कराना चाह रहे हैं, तो आप एज अ मर्चेंट रजिस्टर करते हैं गूगल के नेटवर्क पे, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जिस तरीके से ई कॉमर्स में लिस्टिंग होती है इस तरीके से आप प्रोडक्ट के लिस्ट करते हैं। और उसमें उसका फिनोमेना है कि वो फोटो डालनी पड़ेगी, आपको प्राइस डालना पड़ेगा, आपको नाम डालना पड़ेगा, आपको एक ये ऊपर हेडिंग हेडलाइन डालनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे वो सर्च फिनोमेना करके आपका दिखाता रहेगा। कोई इस पर क्लिक करेगा तो पे पर क्लिक के चार्जेस कटेंगे। ये गूगल एडवर्ड से ही ऑपरेट होता है। गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, ये मैं इसलिए पॉपअप कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप सबके दिमाग में हो सकती है। इसको बहुत इजीली ऐसे समझिए कि अगर मैं मार्केटिंग वाला हूँ, मार्केटर हूँ, मुझे ऐड करना है, तो आई विल यूज गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड एक फिनोमेना है जिससे आप इनपुट करते हो ऐड करने का। गूगल एडसेंस ही होता है जब आपको ऐड चाहिए, आप लेट से ब्लॉगिंग साइट हो, आप न्यूज़पेपर की साइट हो, आप पब्लिशिंग साइट हो, या आप कुछ और बिजनेस करते हो, आप कॉमेडी आर्टिकल्स लिखते हो, आप कुछ, आपकी कोई भी एक साइट है। And I hope everybody of you has been given or will be given a free website also in the package which you are taken, in the course which you are taken. तो जो आपने अपनी साइट बनाई है या जो जिस भी शेप में आप उसको बनाना चाह रहे हैं, जिस भी फॉर्म में आप उसको बनाना चाह रहे हैं, जो भी कंटेंट आप उसमें डालना चाह रहे हैं, अगर आपको चाहते हो कि यार मैं ना रेवेन्यू जो है वो एड से भी कमा लूँ, तो गूगल आपको एक प्रोडक्ट देता है एडसेंस। तो अगर आपको ऐड चाहिए तो गूगल एडसेंस यूज होता है, और अगर आपको ऐड करनी है गूगल में तो एडवर्ब यूज होता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? आपको ये चीज क्लियर है? ऑल राइट। आर यू, समटाइम्स वी सी दिस डिस्प्ले एड ऑन राइट साइड ऑफ दिस सर्च पेज एंड हियर इट इज ऑन द टॉप, व्हाई इट इज सो ऑन द वर्ड प्लेसमेंट इज डन। सीट्स एंड आरुषि, ये कॉन्टिन्यूस एल्गोरिथम है जो कंट्री टू कंट्री, सर्चिस टू सर्चिस, लेआउट्स टू लेआउट्स डिफर करता रहता है। आइडली जो आप मुझे कह रहे हो, यू आर सेइंग दैट समटाइम्स इट्स डिस्प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स डिस्प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वेयर इट इज कमिंग ऑन द टॉप, बट द रीजन बिहाइंड इट इज कि लेआउट को कोई भी परमानेंट नहीं रखता है इंटरनेट पे। इट्स अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड और चेंज करते रहते हैं। अब ये हो सकता है पायलट रन चल रहा हो, ये हो सकता है कि ठीक है यार इस तरीके से ऐड डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, और उसके ऊपर एनालिसिस होगा एंड देन यू नो द नेक्स्ट कि उसको परमानेंट स्ट्रक्चर में लेके आना है कि नहीं लेके आना है, दिस विल डू। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द बैकग्राउंड। सो डोंट वरी अबाउट इट कि वो राइट में क्यों नहीं आया और टॉप पे क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया। आपको सिर्फ एक आइडिया समझना है कि जब भी आप सर्च करते हैं तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आप शॉप जो आप अभी कह रहे हो, वैसे आरुषि दिस इज नॉट टर्म टेक्निकली एज डिस्प्ले एड, इट्स अ शॉपिंग एड। डिस्प्ले एड इज डिफरेंट। डिस्प्ले एड इज जब आप किसी और वेबसाइट पर हो और आप वहां पर देख रहे हो अपनी डिस्प्ले एड, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लेट यू नो व्हाट इज डिस्प्ले एड। सो आप इसको डिस्प्ले एड बोल सकते हो बट एज अ लिंगो, नॉट एज अ टेक्निकल। टेक्निकल वर्ड इट्स अ शॉपिंग डिस्प्ले एड, राइट? ऑलराइट, फाइन। हैव आई गेस एवरीवन, आप सबको समझ में आ रहा है, राइट? अब हम आगे चलते हैं ऑन टू डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क पे क्या है, जो गूगल के पार्टनर नेटवर्क्स हैं, जहां पर जो आपने एड
हमने, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने फेसबुक में ऐड करा था, और जो लोग एडवर्ड से फेमिलियर हैं एक्चुअली क्या करते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क को अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, बिकॉज मैं एडवर्ड की विंडो भी खोलना नहीं चाहता, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई विल ओपन इन दी सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेशन, उसमें जब मैं खोलूंगा तो आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि डिस्प्ले एड को किस तरीके से दिखाया जाता है और किस तरीके से आता है। विल कीप इट पेंडिंग फॉर अ वाइल, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वीडियोज। गूगल का एक प्रोडक्ट है यूट्यूब, विच वी गाइज आर रेगुलरली यूजिंग। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है गूगल का, वो ये है कि आप फ्री में अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसका जब एक अच्छा बेस बन गया, बेस काफी हाई रीच हो गया है, मोर देन फ्यू बिलियन, तब उन्होंने ये प्रोडक्ट जो है वो एड की फॉर्म में निकालना शुरू कर दिया कि अभी इतना यूजर सप्लाई डिमांड हो गया है कि मैं एड निकालूंगा। अभी जब एड निकालूंगा का फिनोमिना निकालूंगा, तो गूगल ने सोचा कि बेस्ट प्रोडक्ट ये है कि वीडियोस के फॉर्म में वीडियो की एड भी डाली जाए। तो वीडियो और वीडियो से रिलेटेड एड्स किस तरीके से वो कर पाया और कौन कौन से भी उसने सब प्रोडक्ट बनाए हैं इस वीडियो एड्स को डालने के लिए, वो आज हम अभी देखेंगे। राइट, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। गूगल का बिजनेस ओरिएंटेशन इस तरफ से अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रहता है, बट इन प्रोडक्ट्स के लिए ये रहता है कि एक वास्ट यूजर बेस बनाया जाए, एडवर्टाइजर को ये मौका दिए, उससे चार्ज किया जाए और उसको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए कि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अब एडवर्टाइज करना चाहते हैं और टॉप पे आना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं वीडियो की फॉर्म में, तो आप अब मेरे को पैसे दो इन वट एवर फॉर्म। और वो क्या कैसे लेता है पैसे, किस तरीके से होता है, वो अभी हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन एक पॉइंट इसमें हमें एक समझना पड़ेगा जो आप बहुत क्लियरली समझिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, आई रिपीट इट अप, विच इज कि आप, लेट्स से आप टीवी में ऐड करते हैं, राइट, या आप रेडियो में ऐड करना चाहते हैं, तो एज अ मार्केटर जब आप रेडियो वालों को अप्रोच करते हैं कि ये मेरा रेडियो जिंगल है और इतने सेकंड्स का है, 20 सेकंड्स का है, 30 सेकंड्स का है, और मैं इसको रन करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा स्लॉट दोगे, मैं ये वाला स्लॉट प्रेफर करूंगा। ऐसे ही आप वीडियो में जाते हैं, आपको पता है कि इस वक्त क्रिकेट की सीरीज चल रही है, हाई मैचेस, हाई डिमांड आएगी और हाई रीचेबिलिटी रहेगी, तो मैं इधर करूंगा, मैं जो है सास बहू के सीरियल में नहीं करूंगा, फॉर दैट एग्जाम्पल। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहां आप डेली सोप्स पे करना चाहते हो तो आप वहां करोगे। तो यू चूज इट, एडवर्टाइजर के पास जो है एक रैंडम चॉइस है उस चीज का। गूगल ने ये चीज को बहुत पर्टिकुलर रखा है, वो ये नहीं देता, वो ये एल्गोरिथम अपने बेसिस पर रखता है, अपने एल्गोरिथम्स लगा के रखता है उसके पीछे की किस तरीके से शो होगा, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस रखता है उसके पीछे। विच आई कैन अंडरस्टैंड, द फॉरमोस्ट रीजन इज गूगल एक्चुअली इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस प्रोडक्ट। वो आपको यूट्यूब का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देना चाहता है, एडवर्टाइजर उसका एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन वो आपको नहीं खोना चाहता, क्योंकि वो आपको नहीं खोना चाहता तो वो कहीं पे भी क्लटर नहीं बनाने देने देगा, कहीं पे भी मिसमैच नहीं होने देगा जहां पे एडवर्टाइजर की डिमांड कुछ और हो और गूगल कुछ और करना चाहे। तो वो सिर्फ ये कहता है कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, आप एड बना दो, एड इस तरीके से आ जाएगी, लेकिन वो मेरे एल्गोरिथम से रन होके जाएगी जिसकी टेक्निकलिटीज आप नहीं समझ पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे इतने हिट्स अगर क्लिक होंगे तो मैं आपके इतने पैसे ले लूंगा। आप उसको फिल्टर कर सकते हो टारगेट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कौन से पे कहाँ पर क्या हिट होगा वो मेरा एल्गोरिथम डिसाइड करेगा, वो आप नहीं कर सकते। एम आई क्लियर इन दैट? राइट, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोलूं कि मैं एडवर्टाइजर हूं और मैं यूट्यूब, मैं गूगल की बात कर रहा हूं, तो मैं यूट्यूब के साथ साथ एक सर्च का एग्जाम्पल भी लेके इस बात को कंप्लीट करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल सर्च करा जाए तो सुषमा जब सर्च करे उस आईपी से तो दिखना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ एज एन एडवर्टाइजर, तो मैं नहीं कर सकता ये चीज। वो इंसिडेंटली सुषमा के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे वो गूगल के एल्गोरिथम डिसाइड करेगा। राइट, सो दिस इज द गूगल्स वे ऑफ डूइंग बिजनेस व्हेन इट कम्स टू मास मीडिया वन साइडेड कम्युनिकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल सर्च हो गया या वीडियोस हो गया। तो इन केसेस में कोई डिस्प्ले ओरिएंटेड साइट्स होगी जिसको उसने पार्टनर साइट्स बना लिया है, तो यहां पर इस तरीके से वो चलता है। एनीवेज, विल क्विकली गिव 5-10 मिनट्स, अभी हम 5-10 मिनट और अपने आपको विल कीप इट फोकस्ड ऑन
अंडरस्टैंडिंग अ लॉट मोर पोटेंशियल एज अ मार्केटर कि आप यूट्यूब क्यों करो। मतलब हर चीज को आई विल रिकमेंड ऑल यू गाइस कि हर चीज को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। ये नहीं कि यार ठीक है यूट्यूब, सब यूट्यूब पे बहुत ऐड आ रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए। एज अ डिजिटल मार्केटर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपके पास जो बजट मिला है आपको उसको आप ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले क्या चूज करें, क्या आप यूट्यूब चूज करें या डिस्प्ले ऐड चूज करें या आप कुछ और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट की तरफ सोचें। तो ये ठीक है यूट्यूब इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ओरिएंटेड सब्जेक्ट बट दैट डजंट मीन आरुषि इज आस्किंग, आई एम सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज इन बिटवीन टू आंसर आरुषि। आरुषि इज आस्किंग बजटिंग इन यूट्यूब इज सेम एज एडवर्ड्स, यस बट अ स्लाइट डिफरेंट। आई विल कम टू इट आरुषि। अभी क्या है ये सारे जो पॉइंट्स है ना कि बजटिंग कैसे होगा, कहाँ पर जाके होगा, कैसे होगा, वो सब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी अभी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे और हम प्रैक्टिकल करेंगे इसको एडवर्ड्स को करके। बट हाँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एडवर्ड्स की तरह काफी हद तक सेम होता है। एडवर्ड्स जो एडवर्ड के अंदर ही होता है, एडवर्ड तो एक सिस्टम है। एडवर्ड के अंदर आप सर्च ओरिएंटेड वाला कर सकते हो और वीडियो ओरिएंटेड वाला कर सकते हो। सर्च ओरिएंटेड वो है जो अभी हमने देखा था सर्च करने पर आता है एड्स, और वीडियो ओरिएंटेड है जो यूट्यूब पर आता है। ठीक है तो दोनों के स्ट्रक्चर में काफी सिमिलैरिटी है लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम वो कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग है ना। सर्च में आपको टेक्स्ट बहुत डलवाना है, वीडियो में टेक्स्ट डलवाने की जरूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो आई विल कम टू इट एंड इन फॉर आंसरिंग ओनली बजटिंग पार्ट इट इज मोर और लेस द सेम। लेकिन यूट्यूब में आपको ना ज्यादा लिबर्टी नहीं मिलती है टू प्ले अराउंड बजट, क्योंकि वो उसका बहुत सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रीम नहीं कर पाएगा यूट्यूब। अगर उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा बजटिंग के लिए तो वो सिंपल सी बात है, ऐड आएगा, क्लिक होएगा, पैसे कटेंगे, तो ये वाला फंडा है। बट आई विल एक्सप्लेन यू वंस आई विल गो थ्रू इट, इवन यू विल अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस वंस यू डू इट। व्हाट आई वाज सेइंग इज डोंट टेक एनीथिंग एट फेस वैल्यू, आस्क व्हाई यूट्यूब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं नेम वन वन प्रोडक्ट विच इज नॉट कम इन टू द कॉमन वर्ल्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा शूज साफ करने का प्रोडक्ट है, मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि आप अपनी सिटी में जो है पिन कोड पर देख लीजिए और मैं आपका शू क्लियर साफ करके दूंगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस इज दी रनिंग बिजनेस, ये एक अच्छा खासा बिजनेस है कि सिर्फ शू जो आपके स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना उसको वो साफ करके देता है, नॉट पॉलिशिंग दी लेदर शूज। लेकिन स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं वो रेगुलर बहुत जल्दी क्लियर साफ नहीं करते हम लोग, तो कुछ टाइम बात करते तो वो क्लीन कर देते हैं। दिस इज द रनिंग बिजनेस ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस। सो अगर ऐसा बिजनेस है तो क्या यूट्यूब मेरे लिए सेंस करेगा, और अगर करेगा तो मैं कौन से वाले सोर्स पे जाऊंगा ऐड करने के लिए, क्यों करेगा। ये सारे आंसर्स आपको एज अ डिजिटल मार्केटर व्हेनेवर यू आर गोना चूज एनी मीडिया इंक्लूडिंग यूट्यूब और एक्सक्लूडिंग यूट्यूब यू हैव टू आस्क इट। मेरे हिसाब से वो हर एक प्रोडक्ट जो कि पोटेंशियली आप सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल एरिया में नहीं रहना चाहते और आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप ज्यादा रखना चाहते हैं, और वो ओरिएंटेड है बिटवीन 18 to 35-40, देन यूट्यूब एक्चुअली मेक सेंस। बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स फ्री होने की वजह से इतने सारे शोज और इतने सारे वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हम एक्चुअली वी लैंड अप इन यू नो यूजिंग इट। सो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट वो अभी हम देखेंगे। अभी मैं इंडिया वाला आपको पहले टच करता हूँ टॉपिक कि इंडिया में यूट्यूब की क्या हुई है। ये 2004 का डेटा है, 2014 का डेटा है सॉरी। इसके हिसाब से वी हैव ऑलरेडी क्रॉस मोर देन 60 मिलियन एंड आई एम श्योर दैट वी वुड हैव क्रॉस मोर देन 100। आई डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट स्टैट्स ओवर इट बट वी हैव समवेयर अराउंड 100 मिलियन यूजर्स इन यूट्यूब। हम एवरेजली 15 मिनट से ज्यादा जो है, ये 2014 की रिपोर्ट बताती है, हम एवरेजली 15 मिनट से ज्यादा जो है वो वीडियो पे रहते हैं। मोर देन 1/3 to 2/3 यूजर्स जो है वो मोबाइल पे भी जा रहे हैं। सो यूट्यूब मेक्स सेंस फॉर अस टू एडवर्टीज बट ऑल वी कैन एडवर्टीज ओवर हेयर।
ये ग्लोबल वाली स्लाइड है, ये आप लोग वैसे भी यू कैन जस्ट चेक इट आउट, दीज आर ओनली दी स्टैट्स। इसमें मैं ज्यादा टाइम अभी वो नहीं करना चाहता, लेट्स अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट नाउ। विच व्हाट आई अंडरस्टैंड कि गूगल हर बार ईयर ऑन ईयर डबल ग्रोथ इस वजह से ले पाता है यूट्यूब, और इस वजह से एडवर्टाइजर भी वहां पे जाना ज्यादा जाना चाहता है, बिकॉज इट्स हैज द पावर ऑफ मोशन, मोशन पिक्चर्स। एक वी हैव आर राइट ब्रेन बेसिकली अंडरस्टैंड विजुअल मच मोर क्विकली देन टेक्स्ट। इसके पीछे बहुत सारी साइको ओरिएंटेड स्टडीज हुई हैं, वो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उस स्टडीज में घुसूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट गिव्स यू एन अट्रैक्शन। सो जहां पर भी आपको विजुअल बड़े बड़े ओरिएंटेड और अगर वो मोशन पे आ सके ऐसे एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो वो बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन सर्च टेक्स्ट ओरिएंटेड एक अलग बात हो गई। अगर टेक्स्ट ओरिएंटेड एडवर्टीजमेंट हो तो वो आपको इतना हिट नहीं करेगा, इसी वजह से फेसबुक भी उसमें पिक्चर का ऑप्शन देता है, और जो डिस्प्ले नेटवर्क जो भी हमें बाद में कवर करना है उसमें आप इंक्लूडिंग द टेक्स्ट आप इमेजेस को भी दिखाने का ऑप्शन आता है। सो विजुअल स्पीक्स मोर देन टेक्स्ट, दिस इज द बेसिक आइडिया एंड दैट इज वेयर इट इज रनिंग। नाउ विल जस्ट क्विकली रन थ्रू ऑन व्हाट ऑल टाइप ऑफ वीडियोज यू कैन सी। आई मीन वी ऑल नो व्हाट टाइप ऑफ वीडियो वी कैन सी, बट वाई वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज एज अ मार्केटर यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से कौन कौन से वीडियोज के पोटेंशियल को यूज कर सकता हूँ। वेब सीरीज इज समथिंग विच हैज रिसेंटली बीन डेवलप्ड, बहुत दो रीजन की वजह से वेब सीरीज जो है वो काफी ज्यादा डिमांड में आ जाएगा और बहुत जल्दी उसकी सप्लाई भी आएगी यूट्यूब पे, बहुत बढ़ेगी। वो रीजन ये है कि बहुत सारे पोटेंशियल मेकर्स हैं जो स्टोरी बताना चाहते हैं और उनको टीवी जैसा मीडियम लेना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, और बहुत उनको उनका चॉइस नहीं मिलता करने के लिए। अ सीरीज लाइक पिक्चर्स नो बडी वुड हैव टेकन इट, द स्टोरी वॉज इन द माइंड ऑफ द मेकर्स फ्रॉम 2011 और वो वेब सीरीज में उसको ले आए। प्लस जो पब्लिश करता है उसको बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स है यूट्यूब पे। अगर आपका आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा है और क्लिक ज्यादा है तो यू अर्न अ रेवेन्यू आउट ऑफ इट, राइट? एम आई क्लियर टिल नाउ? एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, डांस शोज, अरुषि इफ यू हैव अ चैनल आई विल आंसर यू दैट, आई एम आंसरिंग अरुषि राइट नाउ। अरुषि इज आस्किंग हाउ डू यू अर्न अ रेवेन्यू थ्रू यूट्यूब। इफ यू हैव अ चैनल एंड यू गेट सब्सक्राइबर्स ऑन इट तो आपको आपके अकाउंट में योर एडवर्ड्स अकाउंट और एडसेंस अकाउंट यू विल गेट द मनी इन टू दैट। सो आपका जो गूगल अकाउंट बैकग्राउंड पे काम कर रहा होगा उसमें आपके पास पैसा आएगा। सो इफ आपने देखा होगा आप लोग उस तरीके के वीडियोज बनाते हैं, स्कूप फूप्स काइंड ऑफ वीडियोज, जिसमें विच बिकम्स एन इमीडिएट अट्रैक्शन और लोग उसको हिट करने लगे। द मैक्सिमम हिट्स यू गेट साइमल्टेनियसली यू गेट, यस गूगल पे, यस गूगल पे, यस। गूगल पेयर्स और इस पेमेंट में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो वो ये हुआ है कि स्पॉन्सर्स जो है, स्पॉन्सर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल AIB विच हैज नाउ बिकम क्वाइट पॉपुलर, या TVS पिक्चर्स है, दीज आर क्रिएटिंग कंटेंट जिसमें मार्केटर्स अलग से आते हैं और बोलते हैं यार हमारे बारे में भी ऐड अपने वीडियोस में बीच में इंक्लूड कर लो हम, ठीक है, ऑन वी आर रेडी टू पे। सो दीज आर स्पॉन्सर्स। तो AIB अगर स्नैपडील जो है वो हैवी स्पॉन्सरिंग करता है AIB के वीडियोस में, वो जो भी कंटेंट बना रहे हो वो किसी तरह स्नैपडील उसमें एंटर करने की कोशिश करता है बिकॉज दे थिंक कि उनके ब्रांड इक्विटी से बहुत बढ़ेगा। सो व्हेन दे अप्रोच AIB उस स्पॉन्सरशिप का जो भी अमाउंट होगा, हाउ इट टेक्निकली वर्क्स विल डिस्कस समडे एल्स, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो स्नैपडील जो है वो एज अ स्पॉन्सर इंक्लूड हो गया उस वीडियो में
और उस वीडियो को यूट्यूब में पब्लिश कर दिया गया, लेट्स से बाय एआई भी, और उसमें अर्निंग शुरू हो गए। अब यूट्यूब ने ये देखा कि जो ये वेब कंटेंट बहुत रिच होता जा रहा है, जिसमें स्पॉन्सर एडिशनल आ रहे हैं, उसमें स्पॉन्सर का कोई पैसा यूट्यूब अर्न नहीं कर पाता, तो यूट्यूब ने स्पॉन्सरशिप में जो है वो अपनी एक परसेंटेज की बात करेगी। उसमें स्पॉन्सरशिप अगर इन्वॉल्व होगी तो वो इस हिसाब से होगी, उसकी प्रोटोकॉल अलग है, वो अभी टेक्निकली लेट्स नॉट डिस्कस दैट, इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोटोकॉल। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो अभी टीवीएफ पिक्चर्स आया लेटेस्ट, तो टीवीएफ प्ले करके उन्होंने एक अपना चैनल भी साथ पैरेलली लॉन्च कर दिया, नॉट ओनली यूट्यूब। द रीजन इज कि यूट्यूब से जो उनकी अर्निंग हो रही है क्लिक बेसिस पे एंड ऑल दैट, और स्पॉन्सर में जो उनको शेयर देना भी पड़ रहा है, जो वो सेक्रीफाइस कर रहे थे अपॉर्चुनिटी लॉस, वो कवर करना चाह रहे थे टीवीएफ प्ले से। सो टीवीएफ प्ले में जो पॉपुलैरिटी आ रही है वो स्नैपडील के साथ, जब उन्होंने या जिस किंगफिशर एक मेजर स्पॉन्सर था और भी कुछ एफएमसीजी ब्रांड्स इस टीवीएफ पिक्चर्स में स्पॉन्सर थे, तो जब उन्होंने उनसे डील करा होगा तो टीवीएफ पिक्चर्स ने ये बात करी होगी कि स्पॉन्सरशिप के लिए आई लास्ट ऑफ एन हायर अमाउंट, क्योंकि उसमें आपको उधर कोई शेयर नहीं देना है, उसके लिए मैं ज्यादा आपसे पैसे लूंगा। ऑल राइट आरुषि, कुड यू प्लीज टेल हाउ प्रॉपरली अपलोड द वीडियो एंड गुरु, जस्ट बी लिटिल पेशेंट। What I'm saying is, we'll cover it in the later half. Wait for 15-20 minutes. We'll practically do, this is what I'm saying right from the start, that we'll practically do how to upload the video, किस तरीके से AdWords में जाके किस तरीके से हमें अपलोड करना है। We'll cover the practical sense of uploading a video and making it an ad. Right? Are you satisfied? Arushi, sorry, I had a power cut. Yes, Google Pay. Yes. This is what I was saying, Arushi, and it was a long answer. I can't repeat it right now, but yes, Google Pay. Yes. Out of our share. Right? All right. We are on to the last slide of discussing this part, this section. One of the major reason I believe that why Google is a preferable choice, YouTube is a preferable choice to advertise, एक मोशन पिक्चर टीवीसी जिसको हम बोलते हैं एक मार्केटिंग लैंग्वेज में टीवी कमर्शियल, उस टीवी कमर्शियल को यूट्यूब पे लेके आना जो है वो इसीलिए भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि वो लो बजटेड होता है, लो कॉस्ट नहीं हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे कुछ कंपनीज के लिए जो हैवी एडवर्टीज करती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ लो बजट और लो कॉस्ट से मेरा क्या कहने का मतलब है। अभी नेक्सा मारुति हैज लॉन्च बलिनो, राइट? जब बलिनो टीवीसी आएगा फुल एक्टिवली आएगा तो वो काफी बॉम्ब कॉस्ट करेगा। द सेम वे अगर वो लेट्स अज्यूम कि वो बहुत हैवीली जो है यूट्यूब पे भी ऐड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो वो अपने बजट को चीप नहीं रखेंगे, वो हैवीली उसमें भी स्पेंड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। और जो क्लिक्स पर क्लिक पे हो के एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इफ यू हैव अ बिग पॉकेट तो आपको वो कॉस्ट काफी हाई करेगा यूट्यूब भी, लेकिन एट अ मिनिमल लेवल आप रीच बना लेते हो, ये पॉसिबल नहीं हो पता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर टीवी में ऐड करना है तो योर बजट स्टार्ट्स विद फ्यू लैक्स, आई मीन आप कुछ टीवी में नहीं कर सकते अगर आपकी जेब में 20-30 लाख रुपए नहीं है, बेसिक भी करना है, लोकल न्यूज चैनल्स भी लेने, कुछ भी करना है, तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ बजट। लेकिन विल सी इन एन एग्जाम्पल कि हम 100 रुपए में भी एड बना के पब्लिश कर सकते हैं, वो बात अलग है उसको 20 जने देखेंगे, लेकिन आप टीवी में नहीं पहुंच सकते। 20 जनों तक पहुंचने के लिए भी मिनिमम थ्रेशोल्ड है 15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वट एवर दैट अमाउंट इज, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चैनल आप ले रहे हो। तो आप लो बजट में कर सकते हो, चीपर भी है, बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में वो चीपर नहीं होगा, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंसिव भी हो सकता है यूट्यूब। सो इट डिपेंड्स अपॉन हम कौन सा ऐड कहाँ पर किस तरीके से रिलीज करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम चलेगा। लेकिन एक पोटेंशियल ये है एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर आपको कंपनी ब्रांड की तरफ से लो बजट भी है और आपको लगता है कि यूट्यूब मेक सेंस फॉर मी, आई विल गेट गुड रिटेंशन, आई विल गेट गुड ब्रांड इक्विटी, मेरी अवेयरनेस अच्छी होगी, एक ट्रस्ट फैक्टर बनेगा। जब भी टीवी जब हम मोशन पिक्चर देखते हैं किसी ब्रांड का तो एक ऐसा लगता है कि यार ये कोई अच्छा ब्रांड है, ये सेंसेबल ब्रांड है, एक ट्रस्ट बनने लगता है। तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी में अगर इफ दैट फिट्स
तो यू कैन इवन स्टार्ट विथ फ्यू 100,000 और वट एवर लिटिल बजट यू हैव पार्क फॉर यूट्यूब, राइट? गॉट इट? एवरीबडी गॉट इट? ओनली फ्यू आंसर येस. आई वॉन्ट एवरीबडी टू से येस, राइट? All right, so let's now focus on the practical part of it, right? On how to do it. Are we guys familiar with how to upload a video in YouTube? I mean general uploads, जो हम videos देखते हैं, वो तो हमें मालूम है ना कि हम कैसे upload कर सकते हैं. Anybody who is not aware about that can say no so that I can explain it. क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी फिर. धीरज is not aware. धीरज personal level का नहीं करके मैं organization level से बताता हूँ. आप अपना channel open कर सकते हैं YouTube में. Like for example, I am from womania.com और womania.com का this is the channel. I just open the channel because आप as a digital marketer you will be working on a YouTube channel which you will have, right? So right. So friends, Womania as a strategy haven't started its promotion in YouTube. We are right now only focusing on in and around Facebook. Our video. Oh nice, Guru. Anyways, I'm just explaining it. So our channel is आपका ये and it's logged in by your account. Who is the admin of the address? So, आप upload पे जाएंगे. It's very simple. You just have to click on upload. So, आप you will be working as a digital marketer for a brand. That brand will have its channel. जहाँ से वो अपने videos publish करते हैं. जो भी वो करना चाहते हैं उनका टीवीसी या वो कुछ content oriented बना रहे हैं या कुछ social oriented theme पे बना रहे हैं या just एक publicity फैक्टर के लिए बना रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. किसी भी फॉर्म में वो अपने प्रमोशन को यूज करना चाह रहे हैं तो वो अपना उनका चैनल है और उसमें वो यहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस, हैव टू सेलेक्ट द वीडियो जो आपने बना के रखा हुआ है पब्लिश करने के लिए. आप इसमें जो है पब्लिश कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट, राइट? ऑलराइट, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू give an ad in the already running videos in a YouTube, right? All right. So here आपको Google AdWords का account आपके पास होना चाहिए जो कि basically search orientation के लिए भी use होता है. वो आप account जब आप log in करेंगे तो it will be logged in like this. I have just logged in to this. The ID which we use is marketing.womania@gmail.com और हम we have just opened it, right? So here you'll go to campaign, right? Just quickly in this I'll keep on asking yes and no at every stage so that aapko har ek step by step samajh aaye. So opening to a Google account, making a Google AdWords account and opening to that is not a problem, right? So it's everybody understood about that. Yes. So what you do is, if in case you want a search network wala ad, you can click on that. But we want a video wala ad. So what we do is, we click on video.
वॉट वी आर डिस्कसिंग ओवर हेयर इज कि हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जो कि हमें पब्लिश करना है एज एन एड. तो वो वीडियो अभी हमारे पास है. अभी हम इसका कैंपेन का नाम देंगे, यू कैन नेम एनीथिंग. आई नेम इट ऑन अ सीरियल सीरियल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको रखते हैं. तो लाइक फॉर एग्जांपल कैंपेन 5. सो वट एवर दैट नेम ऑफ द कैंपेन इज, यू कैन जस्ट नेम इट, यू कैन नेम इट एनीथिंग. एनीबडी जस्ट प्रॉपर नेम ऑफ अ कैंपेन. और एक अज्यूम कर लो कि आप उस ब्रांड के लिए कर रहे हो. जस्ट अज्यूम एंड जस्ट लेट मी नो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज कैंपेन YouTube streaming ad. Streaming ad. So it, that way you can just do it. Type video which you have selected and then you go to the budget. It works on a format of 100 rupee multiples. So you can keep that budget. Let's say we have kept 300 rupees, right? Then it should be displayed on a YouTube search. Like for example, what is YouTube search? You went to YouTube, any user YouTube pe gaye. Now simultaneously, aapko practically, I'm trying to explain it also. And you want to search videos about, let's say, comic videos. Now this is the search. So aapka search mein bhi aa jana chahiye. So that way. राइट. आफ्टर चूजिंग नेटवर्क, एवरीबडी अंडरस्टूड टिल है कि बजट कैसे एलोकेट करना है. ऑलराइट सुषमा, आई विल आंसर ऑन व्हाट बेसिस हाउ विल डिसाइड दैट कितना बजट हमें पार्क करना चाहिए यहाँ पे. सी यू विल कम टू नो वंस यू प्रैक्टिस इट. जनरली जो ट्रेंड चल रहा है अभी वो चल रहा है एनीथिंग बिटवीन 1-2 रुपीज टू 10-12 रुपीज पर क्लिक का जो है वो एक्सपेंडिचर आता है. बट इट्स बेसिकली ऑन द कॉम्पिटिटिव एज. लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बेस्ड सर्च में क्या होता था, टेक्स्ट बेस्ड सर्च में कीवर्ड इज द मेजर ड्राइवर विच डिसाइड्स कि अभी कीवर्ड का करंट बिडिंग क्या चल रहा है और उस हिसाब से क्या उसका एक कीवर्ड रेट होगा, वो फ्लक्चुएट करता रहता है बिडिंग में. यूट्यूब on that basis has very simple phenomena because YouTube ads on that ways has a very simple phenomena where it gives the same platform and it decides on the basis of what is the competition over there at an existing scenario. So it fluctuates. So you'll get by the practice, but generally जो per click पे या per display में जो charges deduct होते हैं वो Indian currency में it fluctuates in somewhere around 2-3 rupees, 5 rupees to 10-15 rupees. This is how it goes. But there is no strict boundaries for that. It can go anything. I mean, कुछ भी हो सकता है. तो this you'll get once you keep on putting campaigns, campaign after campaign, campaign after campaign. And then you'll get to know, you'll get the idea. The more you practice, the more you'll get the idea. The second part, Sushma, of it is ki actually wo budget bhi kahan se aayega total, wo aapke overall digital marketing plan ke budget se niklega. How much of percentage of the total budget you want to keep it for YouTube? If you believe, like for example, I was talking about womania.com. For womania, we have kept zero budget for YouTube right now. जो वीडियो भी हम करेंगे वो सिर्फ एक टेस्ट वीडियो होगा आपके लिए. इट विल नॉट बी एन एड एज सच. सो फॉर अस वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ, वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फेसबुक. वी हैव आवर ओन स्ट्रैटेजी. सो आपको जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से यू विल डिवाइड एंड यू विल सी कितना स्पेंड्स में वो मिनिमम चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल योर पोटेंशियल इज इन थ्रू यूट्यूब आई हैव टू रीच समहाउ यू नो 10,000 पीपल एटलीस्ट एंड यू गेट एन आइडिया कि यार करीबन 7-8 रुपीज का बजट पर क्लिक पे आ जाएगा एंड टू गेट दैट 10,000 का ओनली रीच अ डिस्प्ले रीच यू विल बी नीडिंग 70-80,000 रुपीस. सो हाउ मेनी मनी ऑफ टोटल हैव डू यू हैव. इफ यू हैव 1 लाख रुपीस और आप चाहते हो कि मेरा कैंपेन जिस चीज के लिए मैं वो एड बनाया है
वो मेरा 1 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ है, और 1 महीने के बाद वो चीज़ लेट से कोई ऑफर है और वो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स इट्स गोना गेट ओवर, सो यू नो कि अब मेरे को किस तरीके से उसकी बजटिंग करनी पड़ेगी. सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? एवरीबडी गॉट इट? तो यू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली, जस्ट से यस और नो, राइट? आफ्टर बजटिंग विल गेट टू दी नेटवर्क एंड देन विल गेट टू दी टू चूज दी लोकेशन. आई रियली एंजॉय इट वेन आई डू लोकेशन, आई टेल यू पर्सनली, बिकॉज जो कन्वेंशनल मार्केटिंग स्कोप्स है ना, अदर देन आउट ऑफ होम टीवी और इवन टू रेडियो, रेडियो भी सिटी वाइज होता है, बट टू टीवी एंड एंड दीज बिग मीडियाज, दे हैव दे इफ दे गो विद द लोकेशन दे कैनॉट गो विद द पर्टिकुलर यूजर, विद अस वी कैन डू दैट इन इन विद द डिजिटल मार्केटिंग, एंड दैट इज वाई इट इज सो इंटरेस्टिंग. विल सी हाउ, अभी हम लोकेशन कर रहे हैं एंड गोइंग डाउन विल ऑल्सो सेलेक्ट टीजी, विल ऑल्सो सेलेक्ट इंटरेस्ट ग्रुप. सो हम बहुत ही प्रिसाइज कर लेते हैं और हम बिल्कुल वेस्टेज हटा देते हैं. सो इफ माई प्रोडक्ट विच इज ऑफ लेट से स्पोर्ट्स मेल ओरिएंटेड शूज क्लीनिंग वाला है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन ऑफ बीट प्रोडक्ट, सो आई नो दैट आई हैव टू ओनली सेलेक्ट जो मेल्स पार्ट होंगे बिकॉज दैट इज माई टारगेट ऑडियंस, नॉट द फीमेल सेक्शन. और वुमेनिया के लिए मैं करूंगा प्रमोशन तो मैं हमेशा फीमेल ओरिएंटेड करूंगा, मेल ओरिएंटेड नहीं करूंगा. सो दैट विल यू प्रिसाइजली चूज इन लोकेशंस. यू चूज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट इन न्यू दिल्ली, और यू ओनली वॉन्ट इन टायर ए स्केल. देन इफ योर प्रोडक्ट इज ओनली फॉर टायर बी, हरियाली किसान एक हाइपर मार्केट है बाई DSW ग्रुप, विच इज लाइक फॉर एग्जाम्पल बिग बिग बाजार इज फॉर दी अबव मार्केट्स. इसी तरीके से एक हाइपर मार्केट जो है हरियाली किसान एक है जो सिर्फ टायर 2 और टायर 3 में होता है, जिनकी पॉपुलेशन जिस शहरों में पॉपुलेशन इज लेस देन लेट्स से 2 लाख 3 लाख, उस ब्रैकेट में वो खोलता है हाइपर मार्केट. वहां पर वो बड़े को टारगेट नहीं करता, दे हैव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. फॉर दैट यू नीड ओनली टायर 2. न्यू दिल्ली में दिखा के कोई फायदा नहीं, मुंबई कलकत्ता बैंगलोर चंडीगढ़ इधर दिखा के कोई फायदा नहीं. सो दे गो इंटर, तो वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दैट वे यू गेट टू नो कि कहाँ से मेरे को लोकेशन चूज करना है. सो यू कैन राइट एन नंबर ऑफ, एंड द एडवांटेज ओवर हेयर इज वंस यू राइट इट, तो आपको यहाँ पे साथ साथ में इट विल ऑल्सो गिव यू अ पॉसिबल रीच फिगर कि आपका टोटल रीच इसमें कितना होता जा रहा है, राइट? क्लियर अबाउट दिस लोकेशंस? लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी है इसमें. व्हाई लैंग्वेजेस? बिकॉज यूट्यूब बेसिकली फंक्शंस इन मोर देन 72 ऑड लैंग्वेजेस. आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर बट इट वर्क्स अराउंड दैट. सो इट कवर मोस्ट ऑफ द कॉमन लैंग्वेजेस. सो यू हैव अ चॉइस ऑफ मेकिंग अ लैंग्वेज चॉइस हियर एंड देन. डिवाइसेस यस, प्रेफरेबली आई विल रिकमेंड एवरीबडी टू प्रेफर ऑल राइट नाउ. वंस डेस्कटॉप और लैपटॉप वाला फॉर्मेट स्टार्ट गोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ द टोटल यूजेज, वंस मोबाइल कीप्स ऑन गोइंग ऑन, देन आई धीरे धीरे कम टू योर क्वेश्चन वर्स आई कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग, देन चूज टू मोबाइल और टैबलेट. सो जनरली एवरी आर ऑडियंस इज सिटिंग इज मेनली ऑन ऑल द 3 फॉर्मेट्स. सो आई विल रिकमेंड यू टू कीप एज अ डिफॉल्ट ऑल द 3, बट इफ यू हैव अ पर्टिकुलर चॉइस दैट यू ओनली वॉन्ट द मोबाइल यूजर्स टू सी इट वंस दे लॉग इन टू यूट्यूब, देन यू कैन इवन चूज दैट. ऑल राइट, धीरज हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, रिमेनिंग 2 ऑप्शन लेफ्ट इन द नेटवर्क, व्हाट ऑप्शन? आई डिडंट गेट एग्जैक्टली धीरज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ऑल द 3 आर चेक्ड इन ओवर हियर, सो आई थिंक रिमेनिंग 2 ऑप्शन लेफ्ट इन नेटवर्क. धीरज कैन यू जस्ट क्विकली से व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? YouTube videos? No, I'm not getting it.
धीरे यू कैन जस्ट क्विकली स्विच ऑन योर माइक एंड जस्ट क्विकली से रेज योर क्वेश्चन देन विल मूव फॉरवर्ड। हेलो सर, जो नेटवर्क में यूट्यूब सर्च आपने बताया था, उसके हाँ बाद हाँ दो ऑप्शन और थे, यूट्यूब वीडियोस एंड वीडियोस ऑन गूगल पार्टनर साइट्स हाँ इन बिल्कुल नेटवर्क्स। नॉट गेटिंग इट। हाँ एक बार आप दोबारा बताइए, जब गूगल सर्च, जब हमने यूट्यूब पे सर्च करा था राइट। हेलो धीरज, यस यस सर, या जब हमने, आपने यूट्यूब सर्च का बताया था हाँ और उसके बाद में दो ऑप्शंस और हैं नेटवर्क में। कहाँ पे ये एडवर्ड के कंसोल में आप कह रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क। हाँ, ये डिलीवरी मेथड्स में जो पहला ऑप्शन है नेटवर्क, इसमें थ्री ऑप्शंस है ना सर। हाँ थ्री ऑप्शन है, यूट्यूब सर्च, यूट्यूब हाँ वीडियोस एंड वीडियोस ऑन गूगल पार्टनर। सो यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ये क्या है। यस यस सर। हाँ गूगल यूट्यूब सर्च ही हो गया जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप सर्च करेंगे तो उसमें आएगा। नाउ यू कैन स्विच ऑफ दी ओके माइक, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यूट्यूब वीडियोज ये हैं कि जब आप वीडियोज रन करें और उसमें जो ऐड आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, Like for example this, I want to see this series. Not as soon as this video is going to start, we can see this ad has come. Pepper Fry का ये ad आ गया। Now this is the second one. This is YouTube video. So we have opened the YouTube video और जो आपने कैंपेन आप चला रहे हो, ये वाला आपका ad इधर भी डिस्प्ले होगा। इस तरीके से भी ad आएगा, जो हम ये वाला ad देख रहे हैं, 9-10 seconds का ad पेपर फ्राई ने बनाया हुआ है। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस फर्स्ट टू पार्ट, सबको आ गया समझ, देन आई आंसर द थर्ड पार्ट। धीरज हैव यू अंडरस्टूड? ऑलराइट, द थर्ड इज गूगल पार्टनर्स वाला। गूगल पार्टनर्स वाला इज सेम, इट वर्क जो स्टिल वाले के लिए काम करता था एडसेंस में। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ न्यूज़पेपर का साइट, आई हैव अ ब्लॉगिंग साइट, आई हैव सम साइट, मेरा कोई भी साइट है, मैं विच इज नॉट टू लिंक विद यूट्यूब, मेरा अपना कोई बिजनेस है और उसका एक साइट है जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने एडसेंस के साथ कनेक्शन लिया हुआ है और एड डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। उसमें मैंने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि मैंने उसमें वीडियो एड्स भी रन हो सकते हैं मेरे साइट पर। अगर वो ऑप्शन है और वीडियो रन हो सकते हैं, तो आई हैव बिकम अ गूगल पार्टनर साइट। तो जो एडसेंस में कनेक्टेड हैं जितने भी, वो गूगल पार्टनर साइट कहे जाते हैं। सो इट इज गूगल पार्टनर साइट डी। सो अगर उसमें आपका ये वाला ऐड उधर भी चले, आप चाहते हो कि किसी और रैंडम साइट पे चले जो कि सिर्फ यूट्यूब पे ना हो, मैंने ये बना दिया, लेकिन गूगल की पार्टनर साइट पे चल जाए ये वाला ऐड भी मेरा, तो वो एप्लीकेबल आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इट्स योर चॉइस। सो यू कैन, इफ यू चेक ओवर हियर, इट विल ऑल्सो रन ऑन पार्टनर साइट जो कि एडसेंस से कनेक्टेड है। अगर नहीं तो इट विल नॉट रन ओवर दैट, इट विल ओनली रन इन यूट्यूब के अंदर ही चलेगा सिर्फ। Have everybody understood this? Right. All right. So we can choose location. I am moving ahead of location and language now. Devices भी हो गया था। Now we are getting to this advanced setting format, which is मैंने एक ad बनाया, मैंने एक video बनाया हुआ है और मैं उसको करना चाहता हूँ, मैंने ये सब कर लिया। अभी मेरे को उसको schedule करना है। Scheduling is very important, because वो आपने एक बजट के हिसाब से रखा हुआ था। टोटल मैंने पर डे का बजट, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 300 रखा था, एंड आई एम टेकिंग अ वेरी मिनिमल एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड आई हैव ओनली 5000 इन माय पॉकेट और मेरे को 1 महीने तक ऐड चलाना है। सो पर डे बेसिस के हिसाब से 30 × 500 रुपी का एक नॉर्मल बजट भी हुआ, सो इट बी लाइक 15000 रुपी। सो हाउ आई एम गोना डू इट, आई एम गोना मैनेज इट दिस वे। तो मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट चूज कर सकता हूँ, आई कैन चेंज इट एनी टाइम बाय द वे, इट इज नॉट फिक्स कि आपने एक बार जो कर दिया वो उसी पे रन करेगा। करंट पे आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, जो हो चुका होगा क्लिक्स वगैरह वो हो चुका होगा, बट यू कैन चेंज इट एनी टाइम। यू कैन ऑल्सो डीएक्टिवेट, पॉज योर एड एनी टाइम, सो इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस पार्ट। ड्यूरिंग द कैंपेन ऑल्सो यू कैन मेक द चेंजेस।
You can also increase your budget, decrease your budget. You can make any change with respect to the campaign in between of the campaign as well, right? Now end date जो है मेरे को let's say end date मैंने choose कर लिया, so your ads will stop showing after this ad and I can just go over there. I can select whatever I have selected this for example, and then you can also schedule basis on the day. It is very important feature, especially when the base site which is YouTube is for the video viewing, because उसका भी एक pattern है, right? Most of the like for example, most of the e-commerce transaction happens on weekdays and not on weekends, because we generally work over there on हम जो है ना afternoon pattern में 10-11 बजे से लेके 4-5 बजे के बीच में ज़्यादा shopping करते हैं. The same way there can be your understanding of कि कौन से videos मतलब कौन से particular videos हम choose नहीं कर सकते, but you can have a choice कि मेरा ad दिखे तो इस time पे दिखे, because there are some products which have a consumption habit of a day and night. Like for example, a liquor ad in the morning will not hit you, but a liquor ad in the evening will have a greater connect. So आपने let's say सुबह को YouTube खोला और आपको 10 बजे जो है वोडगा का ad दिख रहा है, तो you won't like it. I'm just taking an hypothetical example over here. But अगर वही आप 7-8 बजे देखते हैं, तो you'll just make an immediate connect, right guys? Just say yes or no. So the same way you can choose and schedule the day, right? Hours. So you can create a custom schedule, and on the daily day basis also, आप day choose कर सकते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, and then आप timing choose कर सकते हैं. You want in the in the midnight hours to this hour, or you want to start in the morning 8 to 10 or whatever. So it will all depend on what project you had in hand as a digital marketer. I have said one thing last time and I'm repeating it again in between, and I hope continue to repeat in other sections as well. This is right now what you're learning is I'm trying to make you learn both the aspect, not only the using a tool feature kind of part ki ha tool kaise chalate hain, kaun se option mein kya hai, wo bahut easy hai learn karna. Aap char baar practice karenge you'll understand that, but what to use, how to use is the main criteria why any brand will keep you and keep you promoting as a digital marketer. Because I hope for every one of us, aap logon ka motto digital marketing, a digital marketer, as a digital marketer enter karna nahi hoga, ek bahut jaldi jo hai wo chief digital marketer banna hoga, right? Am I right in saying that this is your dream? No, just say yes or no. Yeah, so if this is there, why would some brand pay you much higher just for using tools? No, they won't. So at an entry, we may enter anywhere in the whole hierarchy, but our objective is to go higher, and to achieve that higher objective, keep your reminding on whatever project you do related to any subject for that matter, and including digital marketing. Try to use it and try to practice it. ताकि आपको समझ में आए, different cases लो, different examples लो. और उससे प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सी ऐड कहाँ पर कब क्यों और कितने बजट में करनी चाहिए. इफ यू गेट दीज आंसर्स यू विल बी पेड मच मोर देन व्हाट यू कैन इमेजिन गाइस. ऑलराइट, आई विल गिव यू अ लिटिल होप. एक उससे ना आई एम सॉरी आई एम डिटूरिंग इन बिटवीन, बट एक लाइन थोड़ा डिटूर कर रहा हूँ इससे, बट इट विल गिव यू अ लिटिल इंटरेस्ट. Are you guys familiar with new startups? India एक startup nation बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त startups का वो है, right? Just say yes or no. Now startups, there is SoftBank, which is a Japanese company, और वो बहुत heavily invest कर रही है इंडिया में startups में, right? Owner की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका उसका जो chief है, he is from Indian origin. I'm sorry, I just forgot his name. He is from Indian origin, and can you just imagine how much he earns per day? Or per month or per year? Can you just make a guess? Uska salary kitna hoga? Per month salary kitna hoga? No idea? More than 4 crores. Santosh, you are way behind, man.
या वे वे बिहाइंड, ही इज एन एम्प्लॉय एंड इज अर्निंग मोर देन 4 crores. यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैज अ ब्रेन्स. सॉफ्ट बैंक को इतने पैसे कमा के दे रहा है वो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. और अभी पैसे आए भी नहीं है, अभी पैसे आए भी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट कुछ सालों बाद मैच्योर होती है. बट द वे ही इज प्रोग्रेसिंग, ही इज बीन पेड. सो सॉफ्ट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड यू गेट टू नो, राइट? सो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. सो what I'm trying to say is there is sky is limit, there is no limit to it. If you have a great mind, people will give you money, right? Anyways, let's detour again and get back and resume to this, and then you basically come over there. Here this comes with the practice that aap frequency limit kitna rakhna chahte hain, aap itne impressions karna chahte hain on per day basis, आप कैंपेन को इतने व्यूज तक लिमिट रखना चाहते हैं. दिस कम्स विद द प्रैक्टिस कि आपको कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, सिनेरियो क्या है, कितने पैसे हैं, क्या मेरा ऐड बना है, व्हाट इज माय पोटेंशियल. समटाइम्स ऐसा होता है यू गेट इनटू द कैच 22 सिचुएशन व्हेन यू हैव अ रिलेटिवली न्यू ब्रांड. एंड आई कैन होप, आई मीन आई कैन अज्यूम दैट आप लोगों को अर्ली स्टार्टअप्स भी शायद आप लोगों को लेना चाहेंगे बिकॉज यू आर यंग ब्लड, यू आर यंग माइंड, सो दे वॉन्ट टू टेक यू अप. Once you get, you'll get a very typical trade-off, cash 22 situation. आपको ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन मिलेगी. सिचुएशन ये होगी कि ई कॉमर्स साइट है सपोज, और उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं है और ज्यादा सेल पिक नहीं कर पा रहे, तो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ऐड करना है. और आपने सोचा यार कि मैं यूट्यूब में ऐड करूंगा, आपने कन्विंस भी कर लिया एज अ डिजिटल मार्केटर टू योर सीनियर्स कि मैं, एंड दे हैव गिवन यू अ बजट एंड यू वांट टू एडवर्टाइज. Why have to you limit on the impression and views? मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ जो फ्रीक्वेंसी कैपिंग में. बिकॉज आप बहुत ज्यादा ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है पीछे, बहुत सारे इतने नहीं है जितने आप यू नो हैवी बॉम्बार्ड कर लो लाइक फ्लिपकार्ट और लाइक अमेजन और लाइक, क्योंकि आपको अगर पैसे भी दे रहे हैं तो आप नहीं करोगे. यू हैव टू कैप इट बिकॉज अगर लोग वहां पर जाएंगे और उनको उनकी चॉइस नहीं मिलेगी, उनको एम्पल चॉइस नहीं मिलेगी, उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, सो दे विल गेट they won't come again and they will have a bad mouth for you. और आप बिना ऐड के रुक भी नहीं सकते क्योंकि सेल भी तो लानी है, प्रमोट भी तो करना है. सो दैट बिकम्स अ कैश 22 सिचुएशन. सो हाउ यू डिसाइड इज विद द प्रैक्टिस एंड ब्रेन्स एंड यूजिंग इट. सो कैपिंग करना भी जरूरी होता है एट द सेम टाइम. हैव एवरीबडी गॉट इट? So we are next moving, the first part हमने कर लिया which is उसको structure और skeleton बनाना. Now it comes the most interesting part is कि यार hero तो लेके आओ, इतनी देर होगी अभी तक हम movie बनाने के लिए सब कुछ करे जा रहे हैं, costume क्या होगा, you know sets कहाँ पर होंगे and all that, but hero कौन है, वो कैसे आएगा, वो कब दिखेगा, अब दिखेगा वो. तो एड ग्रुप, जिस भी एड ग्रुप के अंदर अभी आप फंक्शन कर रहे हो, एड ग्रुप बेसिकली ऐसे बनते हैं कि मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ और मैं उस कैंपेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एड्स करना चाहता हूँ, तो मैं एड ग्रुप बना के करता हूँ. दैट वे इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू डू. सो दैट इज वाई देर इज एड ग्रुप फीचर. सो यू हैव वन कैंपेन एंड इन कैंपेन यू कैन हैव वेरियस एड ग्रुप्स, राइट? देन यू गो विद द वीडियो एड. व्हाट यू हैव टू डू इज यू ओनली हैव टू पुट द यूआरएल ऑफ द एड व्हिच इज देयर इन यूट्यूब. So let's say for example this. Acha, rather than picking this, I'll pick what Guru Prasad have made. I won't let his effort go waste. So Guru Prasad has shared a link. Here it is. If it will be too heavy, then it won't be uploaded. Otherwise, it will be uploaded. It is not finding it.
I think Gurumi probably it would not have uploaded as yet. So I've uploaded this. And this is just an hypothetical example. Like I say, a random video of dogs sleeping. So it is just a random example. So you will have your ad, and you will just first you have to publish it over there, and then you will have to do like this. Right? So it gives you an choice whether you want to, you know, drive your in the campaign, you want to drive your views, awareness, or you want only installations and all. Alright. Now comes this part. Publish means upload. Publish will be at different areas. Where have you seen publish? I mean, from which exact page you are asking? Till now we haven't got any publish button as such. Acha, no, I may have misused it. What I'm trying to say is over here it is publishing means when you publish the entire ad. So at the end you will publish it. Uploading is different. Uploading is basically separately when you have uploaded into your channel or somewhere in YouTube to, you know, link it. So you have to upload differently. I may have used that word. All right. Now let's come to video ad format. What is video ad format? This is video ad format. This ad which you see is in stream. So you have two kind of choices. Either you can go with you want in streaming, or you can go with display. Voila. So this is in display. Voila. So if I'm going with in stream, then I have to fill the other details. I'll explain you. In stream is this: when the video is there for the streaming and you are in the streaming of the original video for which somebody has opted. Like for example, I've opted for Bake this wala episode. So my in between my streaming, your ad has come. That in means in can be technically can be starting or mid or end, but it is into the duration of that video. So it is called in streaming, whereas the other is in display, where there is no streaming going on and it is on the display fronts. Even in display, there are three sub verticals. So I'll explain you what. So for example, if you choose an in display, so what happens is in display, it will become a display kind of ad where it will pick one snapshot of the whole, especially the first snapshot. So it'll take the first snapshot as a thumbnail, it will become an image and it will show at various areas. So if somebody clicks that, your video, you know, it starts. Like for example, in in-stream, here, I can visit on advertiser site by clicking that. So if I click on this, I'll land up to the landing page. So the objective is not only limited to the awareness, it is also the conversion part of it. So in the YouTube ad, it is giving you two advantages. A, it is letting you show whatever story you want to show of your brand in that campaign, and also a button somewhere where you can click it and land to the landing page for the conversions, right? So all right, Guru, anyways, I've taken another video. This is only for the example. So this video, any video will be of no use right now. So I moved ahead. It's okay, we can move away. So, fine. So, not on screen, the link will come, Santosh. Like for example, if in stream ad is going on like this, I'll play the ad. So if it is going on like this and you click over here, you land up on the landing page. Yes, it will be a link. A landing page cannot come onto the YouTube thing. A landing page is actually your landing page, right? So it can only be connected through a link as per present scenario of internet, right? Okay. So once you go with the in display, I'll explain you how it comes, Santosh. Like for example, if you have chosen in stream, here you have to type
the final URL in display URL. So it will pick the URL accordingly for the link, right? So in display URL, you can write your landing page URL. Like for example, if I'm writing here womania.com, it will come as this. And I want, for example, I'm only promoting for, let's say, bags. And this is the address of my display URL, the landing page, which I want, and it's only bag oriented thing. So it will land accordingly, right? So here you can put, it will not come automatically. All right. Anyways, let's finish it off with in display ad. In display ad, it'll pick the snapshot of your snapshot and make it as a thumbnail, and it'll show at various areas in YouTube searches and various areas where somebody can click that and land to the video, right? So there are 3-4 types of how in display on to the 4 different areas. First is on the YouTube search, like which we have discussed over here, comic videos and YouTube search. Here it is not coming of any ad. Let's take movie trailers. Here you'll see many ads. So what do you see over here? Digital marketing and all that, and there's, you know, Judge Singh LLB and all that. So these are all display ads. Then YouTube related videos, you all must be familiar with it since you guys are using YouTube so frequently like me. So you know it'll come as a related video pop up. And then as a YouTube overlays. You have to search it down of new overlays, but overlays is basically when over here you can see on this part where that, you know, view advertisers site is coming, this link here, you can say, you know, a banner ad comes sometimes and you click on that and you land to the landing page. Now that is overview, so that can be used. Have everybody understood about overlay? And then on partner websites. So these 4, and you can write down the headline descriptions and all that. And in streaming, we have just discussed, you can write the URL over here and you can name the video, and you cannot choose all the preview options. Have everyone got it? Shall I move ahead? All right. And then annotations, I'm not very sure, but maybe not right now because it won't give you that liberty of putting everything. So if our video ad appears in a search result, all right, Guru. Next, I'm moving to Arushi's question. So if our video ad appears in search result, it won't appear in the similar videos part. I'm sorry, I didn't understand exactly what you're trying to say, Arushi. You're saying, so if our videos appear in the search result, it won't appear in the similar videos part. Which video you're talking? Similar video? Your own video. See, if in a search, it will be coming separately or by an overlay. So in both the mechanisms, it will be coming. I hope I answered that. Right. And then
maximum CPV, you can just put what maximum amount you want to give. Let's say for example, I want to give 5. Once you give that, it will also give you an estimated reach it can potentially have that with the budget you have kept and now when you're putting a maximum CPV, which is how many maximum clicks price you're putting it as a bidding price. So if somebody has bid 6 rupees, you won't be selected to display that ad. So the higher the bid, the higher the chances of going it. Right? And then you can choose the demographies. You can choose the demography like this. Like for example, when we have selected this maximum CPV, it is showing that it will potentially have and a budget of 3 and it will potentially have 100 to 200 views and it will have an average CPV of 2.62. But let's not limit ourselves to this. This can go, yes, CPV stands for cost per video. And so it also keeps you suggesting that if you want to have a higher or a better output, then why don't you just raise it? Because it is expecting that the bid can go to the level of let's say 7 rupees, 8 rupees. So you can do accordingly. Now it's your choice. You don't want to spend that or you want to spend that. Let's see what figures changes if I say 8 rupees. So I go more than the suggested one. Again, it is same because it has the same thing. So if as a marketer the suggestions are same on both, I'll better go with this, right? Anyways, now choosing demographies. So you can choose male, female, or both, and then you can also choose the age factor. And if your video for video you are sensible enough and you think that your ad should come with a parental status, then you can choose it. So that way you can do that. And then you have to click done. You move to the next part, which is targeting, which is this saving ad group, and then you have saved it. That's your interest was there. So I just moved some interest. But anyways, there was one more thing which I just in a hurry got skipped. It was interest, so you can choose the interest as well, right? And then it has a choice of you want to link the channel with it. Yes, I want to link the channel, or I don't want to link the channel. If you go within linking the channel, it asks for a disclaimer, so it's up to you. You want to do that, or you don't want to do link it, and then you finish it. So you can save a 3 5 here and then you can go to campaigns part. And this is how it has come. So it will automatically start showing the difference. Now it's my choice. I want to continue it, exclude it in the ad group, activate, deactivate, whatever. Right now we have this. Has everybody understood that? How to do that? Now we have half an hour left. Let's take few questions. Any questions? Any random questions regarding YouTube or anything else you want to ask? So we'll take few questions and also share one bit of thing in between related to YouTube ad making. But I want to take few questions first because we have covered a long session. So I want to take few questions now.
I have to check Sushma for that. Not very sure. And I'm sure it must be. So we have to just explore, click here and there and find it out. Can you please answer my previous question once again? How to generate revenue on YouTube? The better your content, Arushi, you'll get the revenue. It's the simple phenomena. Basically, whatever videos you visit, let's say for example you have checked out this series, so you can see that there are 436,000 likes over here. So the more likes coming over here on YouTube compensate you, or I mean motivate you and remunerate you with a stipulated sum of money regarding that. So that is why now people are coming up as a business, or as their, you know, their interest of whatever of filmmaking they have, trying to not go with the TV channels on the first place, and you know, trying to publish videos or upload videos on YouTube. So the more user base you have, the more subscriber you have. You must have seen out of AIB videos and these videos, or any video for that matter, which want, you know, a continuous promotion. They always in the ask you, please subscribe, and the subscribe button comes. Because the more subscriber base you have, you're gonna get the earnings. So the simple answer of how to generate business is, it starts with few likes, few subscribers. I mean, it can start with few thousand, 1-2 thousand views, 4 thousand views, so you will get it, but it will get 50 cents, 60 cents, 10 cents, something like that. So it starts with minimum, and you will get it. The more subscriber base you have, like for example, they have various thresholds. Crossing 1,000 subscribers will give you a higher amount of revenues per view and per, you know. So that way it becomes, there is whole combination over there. All right, I'll take, but we have to get registered. Yes. So if there is any minimum number of likes, if you have your channel, you will be having your AdWords account, you have your channel, you have AdSense, it'll drop it to your account. So if there is any minimum number of likes, this has been answered. Yes, that amount is decided by the Google policy, their normal licensing policy. Right? So as a digital marketer, your world is not only Facebook. Your world is actually not only YouTube as such. You have to look down to the various contents getting into the YouTube and getting highlights, and then you make a choice, right? Any more questions? Yes, I'm just waiting. Any more questions? All right, Santosh. I said no.
नाउ विच एड विच आर यू आर टॉकिंग अबाउट द वन वी अपलोडेड और द वन वी पब्लिश्ड. नो दैट्स नॉट एन एड, दैट इज दैट्स जस्ट अ स्मॉल वीडियो. सी फॉर एड मेकिंग यू नीड टू मेक एन एड एंड इट गोज विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क बिहाइंड द सीन्स. सो दिस सेशन वॉज टू एक्सप्लेन यू हाउ once a creative ad has been made, once a creative is done, once an ad is made, how to do it. So I've taken a video which is a normal circulating video, so it is not an ad. So anyways, once you have published that, whatever video content it will be there, it will be displayed on your channel as well as on the once somebody clicks on the ad, I mean once it pops up as an ad. All right. Now I'll discuss in quickly, since you friends are not asking me any more questions. I have time in my hand. I'll try to touch a bit about. I'm sorry, Arushi has just popped in a question in between. Sir, you missed my question. Sorry, I'm not asking too many questions. No. Why? See, I'll always encourage asking questions. But I may have missed your question. I'll just. Check it out. What was the question? On the if Google decided, I've said yes. Wait, Arushi, can you just, because there were so many questions, can you just repeat the question once again, please? Can you just copy paste what was your question? The one which I missed. Can you find this video on YouTube? I just uploaded. Yes, of course, you can find it on YouTube. You can find it on the Womania YouTube channel as well. So you can find these videos. I'll share the YouTube link with you. You can find it. Arusha, I'm just answering your question. I'm first try to reply to the edge. This is the link. You can check it out. The edge. Arushi is asking, how do we publish our videos on relevant channels? See, this is what I said in the starting. Initially, you won't have any control of where it will be displayed, because once it will do that, YouTube or Google as a master company will lose its purpose. So what will happen is you will have too many ads going on one channel and the other channels will be lagging behind, and it will become a panicky situation for the content creators. So YouTube's idea is that you just, they're not in a business of letting you, you know, make a good hygiene content. They're the purpose of anybody who want to upload a video, even if it's a birthday party video of his personal, professional, any video can upload it. So they do not allow you to choose the channels where you want the ads to be published. They can only allow on these premises that it will be a target audience oriented, or how it is going to land on the location wise, on geographical standards, on time wise. But at the end of the day, how the algorithm is going to pick out of the vast exchange of videos, more than 2 billion video views happens every day on YouTube. Now, if this is the scale happening, there is a background algorithm which happens and it decides on its own modus operandi. Right, Arushi, have you got it? Yes, Google decides it. I may have missed any question in between, so I'm just checking it out. Yes, Dheeraj, you can check it out by the campaign name, because the video which I have uploaded right now is only for the test, I mean, just to give you an example. But once you run a campaign, it will be a full-fledged campaign. It will have its description, it will have its headline,
it may also have other products, like for example ad search based ads on the Google page, right? So that way you'll have, once you search on an ad, you'll able to get it. You're not going to get this video as such because it has no, you know, head and tail in behind it. All right. Now we have 15 more minutes left, guys. I'll just quickly go with on the creative part. I guess everybody understood in my last lecture when I said what is media and what is creative. There are few new participants which are not there in the last session, Dheeraj, and there are a few more. So do you know in marketing terminology what is media and what is creative? And what is beta? You just say yes or no, and if in case you don't understand that, I'll try to explain, and then I'll touch on the YouTube creative part. All right, so it's very important. All right. Media is, see, when you see an ad in any format, media channel, creative means content. Yes, creative means content and media means channel. Santosh has hit the nail very right and at the right spot. Media means the host. Whenever you see an ad, you see an ad on a newspaper, or you see an ad on a, you know, on a YouTube, or you see a TV commercial on a TV channel, there what you see is the ad part of it, the content part of it is called the creative, which you have created, and the media is basically the media, the host who is carrying that. Now, what we have discussed over here is that a creative was made and it was put on a media, which is YouTube, and it has been displayed publicly as a promotion. Now, creative is a very wide subject. Nobody can teach you that. So it comes organically and you have to practice it for the years. So I cannot, and it depends on what is the product, what is your objective of the campaign, how you're trying to focus it. So it's a different subject altogether. What I was trying to say by that I want to touch upon the creative part is that you can also make a small creative of your own without the use of, you know, professional cameras and without the use of technical video editors in the YouTube. So YouTube not only give you a basic editing feature, it is on a testing mode of beta where it is giving you a platform where you can make your small ad, a small 10 second ad, 20, 30 second ad of your business. So it is under work of that. So I'll quickly touch upon it. What is that? It is YouTube Ad Builder. It's in a beta mode right now, but it's functional. So I will not explain it in detail. I'll just touch upon on it. So you can explore it. This is the site where you can go and you can see how to do it. So let's start how to do it. It's still a beta version right now. Achha, what is beta? I haven't answered that. Beta is when the product is not finally there for the final run. So beta is basically a step before that you have it's kind of pilot run in the creative language. So whenever you see a TVC, once a beta get approved and then only it becomes a TVC. So whenever an ad agency produce any TV commercial to display it, it basically produces, the first idea is to produce a beta. So as a digital marketer, if you are
dealing with the different agencies who are creating content for you, you have to ask beta first. So give me beta. So beta means the final proofing. That then you'll approve that proof. So you do the proofing and you approve that. And once you approve that, it will be there for the publish. So this is called beta in the marketing language, right? So you guys will be dealing with a lot of betas now, henceforth. All right, I've somehow missed the link. Yes, so how it happens is that this is the editor tool. This can come only by practice. So there is no hard and fast of how to go about it. There are various editors available elsewhere in the internet. Shutterstock even have their editor. So they have their inventory of music, they have their inventory of videos, and you can just buy videos from them like you buy images. Sorry. And you can do the editing part, pay the certain amount which they ask for, and create the final content of the ad which you want to have it. There are few free sites available which gives the content creation on free, and there are few sophisticated tool oriented sites which charges money. So that way YouTube is also coming up with this, because since as the same seen that there are a lot of advertisers who are advertising, the small big advertisers. So for small advertisers, going with a creative agency means charging bomb. A good TV commercial which you see starts with, you know, 4-5 lakh rupees, 3 lakh rupees, and goes up to crores. So creating a good content means can be anything. So when professional team comes into the picture, it becomes too expensive. And when there are medium and starting level organizations and startups, and they want to promote in YouTube, so YouTube has already given them the media platform, but it's also working to give them the creative platform. So this is something which we have very less time, and it was not the part of the thing. So you can just start, you just check out this link which I've just shared with you, this youtube.com/video ad builder, and try to practice by yourself on the creative part. Try to, you know, take few pictures. You can also merge few pictures, you know, on a series. You can have a small video shoot from your smartphone, any product, any demo, and try to create a 10 second ad in this. So this is very useful to you. It's on a beta version, it's a very new tool. It's not very old, so everybody has to explore it. So you also explore it, I'll also explore it, and then in future session, once we have a spare time, we can discuss if in case you have any problems. Right, so you can upload video, you can do the editing part, you can add music and all that. Right. So guys, any question now on whatever we have covered till now? Yes, Santosh, I'm sorry, I've initially decided to cover YouTube and Twitter on a one go. That was the normal way of taking sessions, but then I realized that if I miss the one part of whatever we have covered, then YouTube will not be too advantageous of a learning for you. So I've decided to give it a full session of YouTube, take the practical uploading thing like we have done on the last for Facebook, take the practical uploading for the YouTube this session, so that you understand YouTube in and out. But we'll have Twitter in the following session. There are many, Arushi, just search creative making tools in the Google. Every tool will have a simple layout. I'll tell you how the video editing happens. You can upload the video and it will be a big screen over there, like, you know, as a where the video will run. And on beneath that, there will be two layers. The first layer will be of cutting down the video part of it, where you want to start,
you want to crop the video, you want to end the video or the whole product shoot which you are done, and then there will be audio mixing. So this is common tool, but it have various sophistication going down to different level of pricing online, and there are various software which you can outrightly purchase, like for example in movie production or news channels, they have different set of machines with them which where they does the editing. So it is basically editing. So you can find many tools. You just search it down all the time. Finding. You can try Shutterstock Labs. Search on Google with that and you will find a tool of Shutterstock. This is a very good tool to use. I mean, as a starting point, you will get a very good idea once you go with Shutterstock wala creative tool. Just go in with that. Once you are very equipped with that, you can very easily do this part, YouTube Builder. So then YouTube Builder will come very automatically and organically. There are many tools. Try. Yes, Santosh. See it uploading the session is it. Part of the admin, so I'll share with the Pachala guys and they will do that, right? And I'll pass your message to them, I'll convey that. All right, friends, so any more questions or we should call off the day now? All right, Guru, thanks for sharing the information. How do you guys find this session? We'll just keep on for one more minute and then we'll end this. How do you find this session, YouTube session? Thanks. Thank you. So I guess you all have learned something new today, right? And whatever you are learning, please implement that. Implementation is something which I can't do it. You have to do it by yourself. Facebook, we have done, we have covered. We have also covered YouTube. Do that. Do practice a lot and then it will become very, very easy for you. Okay? So you will start on a higher level rather than starting as a medium level in the digital marketer. You will be surprised to know that the people will be taking for your marketing wisdom, digital marketing wisdom. They are ready to give you monies and they will give you higher responsibilities to handle that. Right? All right, friends. So let's call off the session. All right, Santosh, I'll try to cover that. You want mobile app based advertisement in the next sessions? We'll see if in the schedule it fits with the full fledged. I'll pass on the message to the team, but I will surely cover that. Thanks. As an overview, yes, surely we'll cover that. Yes, Arushi, we'll be covering LinkedIn.
यस यस संतोष, ऑल ऑफ यू कैन लीड दिस सेशन. थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. थैंक्स. Thank you. Thanks, everyone.